नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर का खास प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा, और आज का जो शो का नाम है वो है हिम्स एट द रेट। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं ग्रेट डायलिसिस टब रखे हुए हैं, जिसका काम क्या है इस चीज को जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सर, ये जो टब है ग्रेड टब, इसका इस्तेमाल क्या है? सबसे पहले इसका इस्तेमाल हम करते हैं अपने हॉस्पिटल्स में करते हैं, जो आप देख रहे हैं ये हॉस्पिटल के लिए ही पैक होकर अभी जाने के लिए तैयार है। और ऐसे पेशेंट जिनको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, हफ्ते में एक बार दो बार डायलिसिस करते हैं, तो डायलिसिस की जगह हम पेशेंट को बोलते हैं आप इस तरह के टब में बैठ जाओ। आप देख रहे हैं पानी का लेवल, थोड़ा सा पानी का लेवल, ये तो यहाँ पे एक डेमो के लिए है। पानी का लेवल यहाँ तक होता है, जब वो बैठता है तो उसका पेशेंट का गले तक पानी होता है, और टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 40 डिग्री पे। ऐसा जब दो घंटे वो कर लेते हैं, दैट बिकम्स अ व्हाट वी कॉल एज सेल्फ डायलिसिस, है ना। तो ये, या फिर जो कैंसर के पेशेंट हैं जिनको पेन होता है बहुत ज़्यादा, पेन मैनेजमेंट, तो उसको भी इस तरह का टब में बिठाते हैं हॉस्पिटल्स में, हमारे जहाँ जहाँ हॉस्पिटल्स हैं। और जो खास मकसद है इस हिम्स एट द रेट ऑफ होम का, कि क्यों ना उनके घर पे ही हॉस्पिटल लगा दें हम। बिल्कुल। क्योंकि जो पेशेंट हैं वो 2-3 महीने लगता है लगातार इस पे बैठेंगे तब जाके वो ठीक होंगे, और 2-3 महीने अगर हॉस्पिटल में रहेंगे तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर देम। तो एक तरीका ये हो सकता है कि यही आप खरीद लो और ये सेटअप घर पे ही कर लो। तो मकसद इस वीडियो का या हिम्स एट द रेट ऑफ होम का ये है कि आपका घर ही आपका हॉस्पिटल बन जाए, हिम्स बन जाए। उसके लिए पिछले एक साल से मैं बताता आया हूँ कि घर पे आप बना लीजिए इस तरह का टब। कोई किसी ने सीमेंट से बनाया, किसी ने जुगाड़ से फ्रिज का दरवाज़ा निकाल दिया तो वही बन गया, उसके अंदर बैठ गए पुराने फ्रिज का, या किसी ने ड्रम के अंदर बड़ा सा होल वो कर दिया, काट दिया 2 टुकड़ों में तो वो बन गया। लोगों ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया और सक्सेसफुल भी हुए, लेकिन लोग हम मुझे पूछते रहते थे कि जब आप बनाए रहे अपने हॉस्पिटल के लिए, हमें भी उन्हीं में से दे दो। अब देखिए, ये जो हॉस्पिटल वाला है ये बड़ा रोबोस्ट है, ये 24 घंटे ऑन रहता है। बिल्कुल। क्योंकि पेशेंट लगातार बैठते हैं जाते हैं, बस जब सफाई होती है हर पेशेंट के जाने के बाद तब ये ऑफ रहता है। तो हमने हॉस्पिटल सेटअप के हिसाब से इसका मटेरियल यूज़ किया है कि गर्म 40 डिग्री सह भी पाए, उतना वेट सह पाए, लगातार सह पाए बिना रुके भी, उस तरह के मटेरियल हमने इस पर यूज़ किया। तो दैट केम आउट टू बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर अस, अबाउट 37,000-38,000 तो हमें पड़ता है कॉस्ट प्राइस, और इसमें GST लगा दें, कुरियर लगा दें, बड़ा महंगा हो जाएगा। और उतने महंगा हम पेशेंट को बोलें आप खरीदो तो दैट आई डोंट वॉन्ट। तो पिछले कुछ महीनों से हमने और हमारी टीम ने इस पर वर्कआउट किया और एफिशिएंट बनाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए, और हम इसका जो कॉस्ट प्राइस है हम अभी तक ला पाए हैं 30,000 से नीचे, 29,500। तो अब मैं थोड़ा तसल्ली है कि अब मैं ऑफर कर सकता हूँ अपने पेशेंट्स को, या तो आप खुद बना लो, या हमारे बहुत सारे नाइस एक्सपर्ट्स हैं, वाइस एक्सपर्ट्स हैं, जो बना के दे ही रहे हैं उनसे ले लो, या फिर आप हमसे भी ले सकते हो। नाउ इट इज़ अवेलेबल फॉर सेल। लेकिन यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ कॉमर्स कहीं नहीं है, जितने में हमें पड़ता है उतने में आपको दे रहे हैं, आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि आप लगातार बोल रहे हैं कि आप जब बनाते हैं हॉस्पिटल के लिए तो हमें भी वही दे दो, इसीलिए हम दे रहे हैं। हालांकि बहुत थोड़े से ही हम आपको दे पाएंगे, बिकॉज हमारा ज़्यादातर उतने हम बनाते हैं जितना हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी बात, हमारा कोई नेटवर्क नहीं है, सर्विसिंग सेंटर नहीं है कि मान लो कुछ ख़राब हो गया, आपने बैंगलोर मंगाया है तो मैं आपकी मदद कर पाऊँगा, वहाँ लोकल इलेक्ट्रिशियन आपको बुलाना पड़ेगा, उसको हम यहाँ से गाइड करेंगे क्या करना है, राइट। लेकिन हमारा कोई इलेक्ट्रिशियन वहाँ पहुँच जाए तो हमने उस तरह की इंडस्ट्री लगाई नहीं है। लेकिन एज ए पेशेंट आप मदद चाह रहे थे, और एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आई वांट टू हेल्प, क्योंकि हम तो ऑलरेडी बना ही रहे हैं, तो इस सोच के साथ। और यहाँ पे ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं गीजर है, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द पैकेज। ओके। ये बजाज का गीजर लगा है। तो कई सारे कंपनीज के इंस्टेंट गीजर आते हैं 3 लीटर वाले, उनमें से कोई भी कंपनी का लोकली आप खरीदेंगे और ये आप मंगाएंगे और वो मंगा के इसको फिट कर देंगे और वो काम चल पड़ेगा। ये फिट करने में मेरे ख्याल से आधा घंटा लगता है। ये DC पंप लगा हुआ है, ये हम देते हैं जो इससे कनेक्ट करते हैं, राइट। तो ये DC पंप है, ये जो स्टैंड है और वो सेफ्टी बेल्ट है, दीज आर द पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम। और इसको हम पैक करके, ये जो डब्बे देख रहे हैं ये फोल्डेबल है, इस डब्बे में करके फिर हम कोरियर करके भेजते हैं। तो लेकिन कोरियर इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि ये थोड़ा हैवी है, इज क्वाइट हैवी, राइट। और ये जो आप साइज़ देख रहे हैं ये हॉस्पिटल साइज़ है।
लेकिन अगर जो पेशेंट मेरे साइज के हाइट के हैं, 5 feet 8 inches मेरा हाइट है, 70 kg मेरा वेट है, तो इतने बड़े की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में मोटे लोग आते हैं, बड़े लोग आते हैं, तो उसके लिए हमने बनाया। तो एक ये स्टैंडर्ड साइज है, एक कॉम्पैक्ट साइज भी है, इसे थोड़ा छोटा राइट, उसमें 1 feet यहाँ से थोड़ा कम है और करीब 5 inches यहाँ से थोड़ा कम है। अच्छा। और यहाँ से नीचे भी 3-4 inches छोटा है। अच्छा। तो घर के लिए जो लोग खरीदेंगे तो, और उनकी हाइट मेरे जैसी है, बिल्ट है, तो उनके लिए कॉम्पैक्ट साइज इज इनफ। और उससे फायदा ये है कि कम पानी लगेगा, कम हीट लगेगी। अच्छा। और कम जगह लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो वो आप खरीद सकते हैं। इस टब को खरीदने के मतलब कितने अलग अलग तरीके के फायदे, क्योंकि गर्म पानी में बैठना और कितने देर बैठना होता है इसमें? 2 घंटे बैठना होता है पर डे। और ये कि ऐसा नहीं कि जो लोग बहुत बीमार हैं उन्हीं को बैठना है, बिल्कुल हेल्दी लोग भी बैठ सकते हैं, जिनको वेट घटाना है वो बैठ सकते हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, बैठने से पहले अपना वेट देख लीजिए और बैठने के बाद 2 घंटे बाद उठ के कपड़े से पहुंच के फिर वेट देखिए। सडन कम हो सकता है? कम से कम 500 ग्राम से 1 किलो कम होता है लोगों का पहले दिन, पहली बार में। अच्छा। राइट, यानी कि जो एक्सेस वाटर है ना आपका, वो बॉडी से निकलता है। अच्छा। तो वेट कम होता है, इट्स लाइक ए मैजिक, लगता है कि पहली बार शायद हमने गलत देखा हो, लेकिन कम हो जाता है। तो इट इज लाइक गोइंग टू अ जिम, कि अगर आपकी बॉडी में कोई डिटॉक्सिफाई करने के लिए कुछ अगर इम्प्योरिटी है, वो बॉडी से बाहर निकालने का सेफेस्ट फास्टेस्ट तरीका व्हाट वी कॉल इज हॉट वाटर इमर्शन थ्रू दिस। और सबसे अच्छी बात इसकी कि ये हम घर पे बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि मुझसे खरीदें। पिछले एक साल में जितने पेशेंट हैं उन्होंने मुझसे नहीं खरीदा, दे मेड देमसेल्फ, या हमारे नाइस एक्सपर्ट ने खुद बनाया। ये जो इलेक्ट्रिक पैनल है क्या करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है। टेम्परेचर जैसे 40 degrees तक पहुँचता है ये स्विच ऑन हो ऑफ हो जाता है और गीजर ऑफ हो जाता है। अच्छा। और टेम्परेचर जैसे 39.1 degree कम होता है फिर ये स्विच ऑन हो जाता है, गीजर ऑन हो जाता है। अच्छा। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि अगर बाई चांस, जिसकी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है, कहीं अगर पानी में इलेक्ट्रिसिटी आ जाए गलती से, तो ये स्विच ऑफ कर देगा सारा सिस्टम को, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएगा। तो इसीलिए ये थोड़ा सा भारी भरकम चीज़ है, तो सेफ्टी के हिसाब से भी और इलेक्ट्रिक कंट्रोल एंड टेम्परेचर कंट्रोल, ये सारी चीज़ इसकी खूबी है। तो दिस बिकम्स अ होल थिंग। कई लोग अमेजन से एक थर्मोस्टेट खरीद लेते हैं, ये खरीद लेते दुकान से, और ऐसा जुगाड़ तो घर पे बना लेते हैं सीमेंट का, तब भी काम चलता है। तो लेकिन हमने, क्योंकि हमें कमर्शियल तरीके से हम अपने हॉस्पिटल में लगाना है और ढेर सारे पेशेंट आएंगे, तो हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलते हैं। चाहे ये जो बिल्ट है गैल्वनाइज्ड, ये कोटेड जो आप देख रहे हैं फ्रेम राइट, या PVC का ये स्ट्रॉन्ग, ये आप देख रहे हैं ये जो कवर है, तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स राइट, बिकॉज एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देना है, एट द सेम टाइम वी हैव टू मेक इट लाइट वेट राइट, लाइट वेट भी रखना है, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग रखना है, तो ऑल दोस थिंग्स आर देयर राइट। सो लेकिन जो घर के सेटअप पे है उनको 24 घंटे नहीं बैठना है, 2-2 घंटे बैठना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि आप मुझसे खरीदें, दैट इज द लास्ट ऑप्शन, आप घर पे खुद बनाओ। एक तो आपको सस्ता पड़ेगा बिकॉज आपको 2 घंटे बैठना है, तो आप थोड़ा चीप मटेरियल ले सकते हो राइट, और कुछ समय में ठीक हो ही जाना आपको, फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। लेकिन हमसे जो खरीदेंगे ठीक होने के बाद भी आपके पास ही पड़ा रहेगा, मतलब आपके लिए। हालांकि मैंने ये बताया कि जैसे मैं हूँ, मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं भी ये कर लेता हूँ कई बार, तो जस्ट फॉर फन और जस्ट फॉर डिटॉक्सिफाई यू कैन डू इट। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब इतना वो करने के बाद भी घर पे ना बना पाए, तो किस तरीके से आपसे वो खरीद सकते हैं? अच्छा, मुझसे खरीदने के लिए आप हमारे वेबसाइट में जाइए, bishwaroop.com/shop इसमें जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। 2 वर्जन है, स्टैंडर्ड एंड कॉम्पैक्ट। स्टैंडर्ड ये है जहाँ मैं खड़ा हूँ, और कॉम्पैक्ट इससे थोड़ा छोटा है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी चीज़ हमें बताने के लिए हमारे दर्शकों को, मुझे तो। देखा आपने, अगर आप किसी भी तरीके की बीमारी से जूझ रहे हैं, चाहे किडनी हो या अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल से ये खरीदिए, आपको बहुत फ़ायदेमंद है। चाहे किसी तरीके की बीमारी हो या ना हो, लेकिन फ़ायदेमंद ज़रूर है। तो ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।